मॉर्निंग टू ऑल। आज जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, सबसे पहले मैं उसे समझा देती हूँ। डेट 30 अप्रैल 2020, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश और डे थर्सडे। मेरा टॉपिक है आज का एजेक्टिव। आज बच्चों मैं आपको एजेक्टिव के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डेफिनेशन के बारे में। ये मैंने हेडिंग यहाँ पर नोट की हुई है, डेफिनेशन ऑफ एजेक्टिव यानी विशेषण की परिभाषा। बहुत छोटी सी मैंने लिखी है जिससे कि आप इजीली इसको लर्न कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एजेक्टिव, यानी वर्णन करने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल लिखे हुए हैं आपके लिए। फर्स्ट है, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो सीता की बच्चों क्या विशेषता है कि वो कैसी लड़की है, कि वह ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर लड़की है। तो आप ये देख रहे हैं ना, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के नीचे मैंने क्या किया, यहाँ पे अंडरलाइन की है। तो ब्यूटीफुल क्या है, ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, सेकंड, इशिता इज़ अ ब्रेव गर्ल। तो इशिता एक बहादुर लड़की है। तो इशिता इसमें क्या हो गया, नाउन। और इस इशिता की विशेषता क्या होगी, वो किस टाइप की और कैसी लड़की है, कि वो बहादुर लड़की है। ब्रेव मीन्स क्या होता है, बहादुर। इसके नीचे मैंने क्या किया है, अंडरलाइन किया है। तो ये क्या है बच्चों आपका, ये एजेक्टिव हो गया। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट 10 एजेक्टिव वर्ड्स। इसमें आपको करना क्या है बच्चों, इसमें आपको 10 एजेक्टिव वर्ड्स लिखने हैं जो मैंने आपको अभी ऊपर बताए थे, जैसे ब्यूटीफुल है, ब्रेव है। ये क्या है, ये एजेक्टिव वर्ड्स ही तो है। तो इस टाइप के आपको 10 एजेक्टिव वर्ड्स लिखने हैं। अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो अपने पेरेंट्स की यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंडरलाइन ऑल द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें क्या करना है बच्चों, ये मैंने हेडिंग है, इसको इसकी हिंदी बता दे रही हूँ, कि जो सेंटेंसेस हैं इन सभी एडजेक्टिव्स का क्या करनी है, आपको अंडरलाइन करनी है। मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए एक्सरसाइज दी है, 1 से लेके मैंने 10 क्वेश्चन दिए हैं। सेकेंड वाले पेज पे हैं, इसमें तो 7 ही हैं। तो फर्स्ट वाले इसको मैं समझा दे रही हूँ, जो सेंटेंस है, राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो राम की विशेषता क्या है, कि वो कैसा लड़का है, वो अच्छा लड़का है। तो ये गुड है ना, गुड, गुड के नीचे क्या कर देंगे आप, अंडरलाइन कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों आप, अंडरलाइन कर देंगे। सेकेंड है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यह एक सुंदर फ्लावर है यानी सुंदर फूल है। तो ये जो फूल की विशेषता क्या है, कि वो कैसा है, सुंदर है। तो ये क्या है, ये एजेक्टिव है, इसके नीचे क्या कर देंगे बच्चों आप, अंडरलाइन कर देंगे। तो ये आपके यहाँ पे 7 सेंटेंस हैं। नेक्स्ट, ये एट, 9 और 10, ठीक है ना। तो ये 10 सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं, ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लर्न एंड राइट 10 लाइंस अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। आपको क्या करना है कि अपने बेस्ट फ्रेंड के विषय में आपको 10 लाइन लिखनी है और साथ ही साथ लर्न भी करनी है। मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिए हैं, 1 से लेके आप 10 यहाँ पर सेंटेंसेस देख रहे हैं ना। तो ये क्या करना है, ये आपको लर्न करना है और साथ ही साथ आपको लिखना भी है। फर्स्ट है, माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज़, यह डैश किया हुआ है, जो आपका सबसे अच्छा मित्र है आप उसी का ही नेम लिखेंगे। अगर आपकी लड़की मित्र है तो आप यहाँ पे शी का यूज़ करेंगे, जो मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे ही का यूज़ किया है। और अगर लड़का है तो उसके लिए मैंने ही का यूज़ यहाँ पे कर ही दिया है। ये ही रीड्स इन क्लास थर्ड, वह क्लास थर्ड में पढ़ता है। ही इज़ वेल मैनर्ड बॉय, वह बहुत ही वेल मैनर्ड लड़का है। अगर यहाँ पे आपकी लड़की मित्र है तो आप यहाँ पे बॉय की जगह पे किसका यूज़ करेंगे, गर्ल का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ही की जगह पे बच्चों किसका यूज़ करेंगे, शी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, ही इज़ अ गुड इन हिज स्टडीज़, कि वह स्टडीज़ में अच्छा है। आई प्ले विद माई बेस्ट फ्रेंड, मैं अपने सबसे अच्छे मित्र के साथ खेलता हूँ। ऑल माई टीचर्स लव हिम वेरी मच, मेरे सारे जो टीचर्स हैं उसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। नेक्स्ट है, माई फ्रेंड इज़ वेरी हेल्पफुल टू अदर्स, मेरा जो मित्र है वो दूसरों के प्रति बहुत ही हेल्पफुल है। आई लाइक हिम वेरी मच, मैं उसे बहुत अधिक पसंद करता हूँ। वी ऑल्सो शेयर अवर टिफिन्स, हम भी क्या करते हैं, हम अपना टिफिन भी शेयर करते हैं। और लास्ट 10 है,
थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ नाइस फ्रेंड, कि बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर आपके लिए फॉर गिविंग मी, मुझे देने के लिए सच अ नाइस फ्रेंड, ऐसा अच्छा मित्र। तो बच्चों आप इसको लर्न करेंगे और लर्न करने के बाद ही इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। तो ये था बच्चों आज का होमवर्क। सी यू टुमारो।